पुलिस लाइन रामनवमी अपना समिति की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी को रामनवमी की हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं और साथ ही साथ झारखंडी जोहार करते हैं। यहाँ जो आपके दो प्रत्याशी हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी, बंगमारा के इतिहास को देखिएगा। मैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी को संदेश दूंगा श्रीमान, कि यदि आप सच में धार्मिक हैं और राम जी के नाम पे मत मांगेंगे, तो चूंकि अखबार के पन्ने कहते हैं कि कोयले के कारोबार ने आपने बहुत करोड़ों का संपत्ति बनाया है, तो धर्म का मतलब होता है दया, धर्म का मतलब होता है दान। आपसे आग्रह होगा आप कम से कम 75% अपने संपत्ति को गरीबों को दान कर दीजिए, आपको धार्मिक मानेंगे। अखाड़ा प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, अतः ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहेंगे कि आज श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दिवस है, अतः हमारा कर्तव्य बनता है उनके आचरण को, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इस देश की बात करें तो बहुत सारे लोग भगवान राम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन शायद खुद उनके रास्तों पर नहीं चलते हैं, ना ही उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज की लोकसभा का चुनाव भी है और लोग कहीं ना कहीं राम जी के नाम पर वोट में उनके नाम का, उनके चरित्र का जरा सा भी लक्षण नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए, जहां तक राम जी के बारे में आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और इतिहास भी बताता है कि उन्होंने माता सबरी के झूठे बैर खाए थे, और हमारा एक सांसद है, हालांकि इस बार नहीं लड़ रहा है, वो हजारीबाग का है, वो जब जनता से मिलते थे तो मिलने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज से धोते थे, और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। तो जो लोग राम के नाम पर वोट लेते हैं, सबसे पहले उन्हें राम जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं किसी से नहीं डरता हूं, 2 साल से मेरा रिकॉर्ड रहा है, चाहे डीसी रहे, चाहे एसपी रहे, चाहे टाटा रहे, चाहे बिरला रहे, सही रहता हूं, सामने कहता हूं। और आप भली भांति जानते हैं मेरा नाम सुने ही होंगे, तो वो हजारीबाग के सांसद है, अभी नहीं लड़ रहे, नाम उनका जयम सिन्हा, क्या करते हैं, राम जी के नाम पर वोट मांगते हैं। और राम जी के बारे में हम क्या जानते हैं, तो उन्होंने सबरी का झूठा बैर खाया था, और वो शख्स क्या करते हैं, अपने हजारीबाग की जनता से पूछिएगा, अगर जनता से गलती से हाथ मिला ले तो सैनिटाइज करके हाथ धोते। इसलिए आज इस देश की जनता को भी चिंतन करना होगा, इस देश की जनता को भी समझना होगा कि वास्तव में राम का जीवन कैसा होना चाहिए, राम को जो आदर्श मानते हैं वो कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे सांसद प्रत्याशी होंगे आपके भी, जिनके नाम पर करोड़ों हजारों करोड़ों की संपत्ति है, और आज वो लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मैं उन लोगों को विशेषकर, चूंकि धनबाद हमेशा यहाँ धर्म को लेकर मतदान होता है, तो मैं उनसे कहूंगा, खासकर मतदाताओं से, जो लोग भगवान जी के आड़ पे वोट मांगते हैं, उनसे कहिएगा कि आप देश के महान संत स्वामी विवेकानंद से ऊपर नहीं है। देश के महान संत स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कहा था, अरे माता जी देखो, धार्मिक कार्यक्रम में अब तो आज नारा ना लगाएं, अभी पूरा लोकसभा का चुनाव बाकी है, अवसर हम लोग देंगे। महान संत स्वामी विवेकानंद ने कथन कहा था कि यदि आप भगवान जी को 56 प्रकार का भोग चढ़ाते हैं और उसी समय यदि पड़ोस का बच्चा भूख से रो रहा है तो आप पुण्य नहीं पाप के हकदार हैं। तो इन सांसदों से पूछिएगा, इनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, इनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो आप किस मुंह से धर्म की बात करते हैं श्रीमान? ये कौन सा धर्म है कि आज इसी देश का, इसी राज्य का लाखों युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, इसी देश का लाखों युवा आज हताशा में जीवन यापन कर रहा है, और आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के, आप करोड़ों का जमीन खरीद के, आप करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस बना के, आप कहते हैं कि हमें राम जी के नाम पर वोट दे, तो जनता को एक बार उनसे सवाल करना चाहिए, ये राम का आदर्श नहीं है, ये राम का चरित्र नहीं है, ये राम का जीवन नहीं है। और मैं बोल ही रहा हूं, यहाँ जो आपके दो प्रत्याशी हैं,
माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी, बंगमारा के इतिहास को देखिएगा। मैं सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ढोलू महतो जी को संदेश दूंगा श्रीमान, कि यदि आप सच में धार्मिक हैं और राम जी के नाम पे मत मांगेंगे, तो चूंकि अखबार के पन्ने कहते हैं कि कोयले के कारोबार ने आपने बहुत करोड़ों का संपत्ति बनाया है, तो धर्म का मतलब होता है दया, धर्म का मतलब होता है दान। आपसे आग्रह होगा आप कम से कम 75% अपने संपत्ति को गरीबों को दान कर दीजिए, आपको धार्मिक मानेंगे। मैं इंडिया कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, नहीं है, उनके पति बेरमो से विधायक है श्रीमान अनूप सिंह। मैं आपको एक लाइन उनके बारे में बताऊंगा, एक दिन पेपर में पढ़ा होगा आपने कि कोयले के कारोबार में एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, एक दिन में 1 करोड़ रुपया। मान के चलिए आज अगर किसी बेरोजगार युवक से पूछा जाए कि आपको दिन भर में कितना पैसा का नौकरी दिया जाए कि आप अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन यापन करेंगे, 1000 रुपया काफी है। अगर एक दिन का 1000 तो 30 दिन का 30,000। देखिए जितने पुलिस कर्मी है क्या महीना होगा, 30,000 से 50,000 के बीच होगा, यानी 30,000 रुपए जीवन यापन के लिए काफी है महीना में। आप एक दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचते हैं, अगर 1000 से 1 करोड़ को भागा देंगे तो 10,000 निकलता है। 10,000 नौजवानों को रोजगार को दबा के बैठे हैं और आप संसद के चुनाव में वोट मांगेंगे, वह मेरे भारत की तस्वीर, ये मेरे भारत की तस्वीर। वाह वाह, पता नहीं ऐसे बात नेताओं को कैसे चुनते हैं भाई, कैसे ये युवा धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ऐसे नेताओं का चुनाव कैसे करती है। एक नेता, एक नहीं 10,000 नौजवानों के रोजगार को अकेले दबा के बैठा है और कैसे हम उनका चुनाव करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज सच में उनको ईश्वर का डर है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे आपने जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित किया है उसे जनता में दान देने का काम करें, आपको धार्मिक माने। काफी ज्यादा विशेष समय नहीं लेंगे, क्योंकि धार्मिक दिवस है आज और हम लोग जाने को मानते हैं, तो अतः पूरा आज रामनवमी की असंख्य शुभकामनाएं और प्रार्थना होगी। हम प्रार्थना करेंगे कि तमाम जो लोग हैं उनका जीवन सुखियों से परिपूर्ण हो, हम इसकी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ के नौजवान है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को एक संदेश देंगे कि अब युवा केवल नायक ना बने, युवा विधायक बने, युवा सांसद बने, और इसकी तैयारी आपको करनी है। और यकीन मानिए जिस दिन युवा राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे, राज के भूगोल को, राजनीतिक भूगोल और इतिहास को बदल देंगे। आप देख लेंगे झारखंड में एक युवा टाइगर जयराम महापात्रा, देख लीजिए दिल्ली का ओपिनियन पोल, नेशनल न्यूज का ओपिनियन पोल जाके देख लीजिए कि भाई गिरिडीह से कोई इंडिपेंडेंट जीतेगा। यानी तुम्हारा चाहे तो देखते जाए आज के ओपिनियन पोल ऐसे छे, और ओपिनियन पोल दावा है कि इवार मानो बीजेपी और कांग्रेस जनर ना है, गिरिडीह लोकसभा परास्नातल से लाटो विजय होवे। तुम्हारा ओपिनियन तो देख लो, আমি কিছু নাই, আমি একটা ছেলে, আমি একটা ছেনা, 2 বছর পরে পূর্ব আমাদের কিছু পচার নাই, আমি একটা ফিকের পরিচিত ছেলে, কিন্তু আজকে আমরা এই রাজ্যের রাজনীতি চর্চার বিষয় বটে। কাহে না আজ আমরা পড়া লিখা নৌজওয়ান রাজনীতি নিয়ে হ্যাঁ সবকে বলতি বন্ধ করে রাখতে হ্যাঁ আরে यार भैया। इसलिए आज नौजवानों को राजनीति में आना होगा आज, और बिल्कुल मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहूंगा, अरे भाई रोज तो आप ड्रीम इलेवन में 2 घंटा लगाते ही लगाते हैं समय, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। आप 2 घंटा कम से कम जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है उस पर गंभीर होकर लगाइएगा, इसके फलस्वरूप आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये धनबाद लोकसभा है, हम तो गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी हैं,
लेकिन हमने पहले कहा भले लोकसभा मेरा एक होगा लेकिन जनता हमें जहां बुलाएगी हम वहां जाएंगे और जहां समस्या होगी हम वहां खड़ा होंगे। साथी भले ये धनबाद लोकसभा है लेकिन हम यहाँ के जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं हम किसी भी लोकसभा से जीत के जाएंगे मुद्दा झारखंड का उठाएंगे। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से हम जीत के जाते हैं तो हमारा लोकसभा में पहला प्रश्न होगा कि 27% कोयला अगर झारखंड देता है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता आप नहीं चलेगा, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अब कलकत्ता नहीं चलेगा। 27% कोयला झारखंड देता है। इसीलिए यदि भारत देश की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली हस्तांतरित हो सकती है तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता से हस्तांतरित करते हुए धनबाद या बोकारो होना चाहिए। इस बात को मजबूती से रखने का काम करें। बाकी पुनः सबाई के जोहार जनाए सबाई के आज रामनवमी शुभेच्छा हम इस सबाई के शुभेच्छा दीची सबाई भालो करे थकती। जय हिंद जय झारखंड राम राम।